We have established a call center in Pakistan Consulate General Dubai to cater for around 1.2 to 1.4 million Pakistanis living in Dubai and Northern Emirates. This idea has emerged because we used to receive hundreds of the calls, and hundreds of the calls used to drop because we were able to attend only 200 to 250 calls. That's why we established this center, and now we have around 6 to 7 calling agents. They receive calls and they respond at the same time, and they have also the access to the screens. So they can respond and they can check the status of their various applications and various documents, and they can respond. However, 10% people whose responses are not available at that time, they take down their issues and then they call back and they respond to our customers. So normally this is basically for those people who are our labor class. They don't use to they are not used to for modern technology, for example applications, and also for the websites. So they use these calls and we respond them there. So this is especially for them. So what are the majority of the calls that we get? Normally the calls are regarding the queries about their documents, and people who apply online, their passport, their Aadhaar card, they get stuck. So they don't know the issue. So they call to consulate, and we tell them that this is the issue, and we also help them to resolve their issues as well. Is there any average time you have fixed for a call to be answered? Or? Yes, we have routinely now, we have from 8 a.m. to 4 p.m. our office will be open and this call center will work. We are planning to bring it 24/7. It will be available after 1.5 weeks, inshallah. And we are also trying to bring a toll-free number at 800 so that people can call hassle-free to this consulate. बस आपको बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि दो तीन चीज़ें हैं जो कि हमने अभी इनिशिएट की हैं पाकिस्तान में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शन पे और प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पे, कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलियत के लिए अपने रिसोर्सेज के अंदर रह कर हमने सहूलियत फराहम करनी है, और उसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो है हमारा कॉल सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉल सेंटर। बहुत सारे इमरजेंसी के इशूज़ भी होते थे, बहुत सारे जेनरल इशूज़ भी होते थे, वो कॉल नहीं कनेक्ट कर पाते थे तो उनकी मतलब नाराज़गी अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त थी। इस चीज़ को सामने रखते हुए हमने यहाँ पर एक कॉल सेंटर एस्टेब्लिशमेंट कर दिया है। उस कॉल सेंटर में हमारे पास तकरीबन 5 कॉलिंग एजेंट्स हैं जो कि सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक कॉल्स रिसीव करेंगे, और उसमें हमारे पास एक लाइन है और एक लाइन के ऊपर बैठ कर 14 कॉलर्स कॉल कर सकते हैं और 14 कॉल्स हम रिसीव भी कर सकते हैं। और उसमें पहले ये होता था कि एक कॉल रिसीव होती थी, उसके बाद रिसेप्शन पे जो है वो कॉल आगे फॉरवर्ड भी की जाती थी किसी और डिपार्टमेंट को। लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट का हाल ये था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रश होता है, उस रश में जो कॉल रिसीव करने वाला होता है वो पहले से रश में होता है और उसको सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता। अब हमने ये किया है कि स्क्रीन का एक्सेस हमने अपने कॉलिंग एजेंट से उनको दिया हुआ है, 90% इंफॉर्मेशन वो वहीं पे दे देते हैं और कॉलर को सेटिस्फाई करते हैं। अगर 10% उनमें से कोई चीज़ें रह जाती हैं उनको वो नोट डाउन करते हैं, और बाय द एंड ऑफ द डे उनको बैक कॉल करके उनको वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। अब ये कॉल सिस्टम हमारा शुरू हमने कर दिया है, और अल्लाह का शुक्र है कि 2-4 दिन हुए हैं हमने ट्रायल बेस पे इसको चलाया है, और ऑलमोस्ट हम जितनी कॉल्स हैं उन सबको हम रिसीव कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है हमारे ज्यूरिसडिक्शन में, जैसे आपको पता है कि 1.2 से लेकर 1.4 मिलियन तक पाकिस्तानी रहते हैं, और 6 स्टेट्स हैं यूएई की जो मेजर स्टेट्स हैं, जिसमें दुबई से लेकर रासलखेमा तक फैला हुआ है। तो आगे जाके हमें हो सकता है इसमें एक्सपेंशन भी करनी पड़े, वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। हमने ये सारा कुछ अपने रिसोर्सेज के अंदर रहकर हमने ये किया है। इसके अंदर और भी इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ रहे हैं, एक ये है कि इस कॉल सेंटर को हो सकता है हम 1 या 1.5 हफ्ते के बाद 24 आवर्स तक कर लेंगे। जो मेजर हमारा टाइम है वो कॉल का जो फ्लो होता है वो 8 बजे से लेकर 4 बजे तक होता है, उसके बाद कॉल्स कम होना शुरू हो जाती हैं, तो हम जाहिर सी बात है स्टाफ को थोड़ा सा थिन कर देंगे, लेकिन उसको हम 24 आवर्स के ऊपर लेकर जाएंगे कि 24 घंटे अगर किसी ने कोई कॉल करनी हो तो वो काउंसलेट कॉल करके हमसे सर्विसेज ले सकते हैं।
इसके अलावा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं हफ्ते डेढ़ के अंदर हम टोल फ्री नंबर ले रहे हैं, जिसमें टोल फ्री नंबर में जो 800 वाला है वो नंबर हम दे देंगे कम्युनिटी को, उस पर आप कॉल कर सकेंगे और वो ऑब्वियसली फ्री ऑफ चार्ज होगा। किसी भी वक्त आप हमसे कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। ये तो था कॉल सेंटर के बारे में। अच्छा, कॉल सेंटर के अलावा हमने जो एक और चीज़ है वो है मोबाइल ऐप, वो हमने तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले लॉन्च कर दी थी पार्क इन दुबई के नाम से, और एज ऑफ टुडे तकरीबन 15,000 के करीब डाउनलोड्स हो चुके हैं, लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और सैकड़ों लोगों को हम ऐप के ऊपर जवाब भी दे चुके हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी उनको अरसाल कर चुके हैं। उस ऐप के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है, अगर आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट ट्रैक करना हो तो आप वेबसाइट पे चले जाएं या ऐप के ऊपर करें, वहाँ से आप कर सकते हैं। डेड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर हमने उसके ऊपर ज़्यादा काम किया है कि जैसे आप पहले भी कह रहे हैं कि जी डेड बॉडी के लिए ये होता है कि एक बंदे की डेड बॉडी के डेथ के बाद डेथ सर्टिफिकेट इशू होने के बाद उनको काउंसलेट फिजिकली आना पड़ता था और फिजिकली आकर उनको पासपोर्ट कैंसिल करवाना पड़ता था और हमसे NOC लेनी पड़ती थी, उसके बाद डेड बॉडी को आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो कार्रवाई चलाते थे। अब हमने ये किया है कि ऐप के ऊपर ही सारी चीज़ें डाल दी, किसी बंदे को काउंसलेट आने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन आपको पता है UAE की कानून के मुताबिक हम उनको सामने रखना पड़ता है, तो उसमें एक दो दिन लग सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उसको हम इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको दे सकते हैं। इसके अलावा एक और भी चीज़ है एप्लीकेशन के अंदर कि जी UAE के अंदर जो पेशेंट्स हैं, पाकिस्तानी पेशेंट जो हॉस्पिटल में हैं, उनको अगर किसी किस्म की असिस्टेंस चाहिए तो वो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अब असिस्टेंस से मुराद सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं होती, जाहिर सी बात है आपको पता है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए दो बड़े इश्यूज होते हैं, गवर्नमेंट कर भी नहीं सकती इतने लेवल पे, जाहिर सी बात है अपनी पूरी कोशिश हम करते हैं कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके। इसके अलावा अगर कोई हेल्प अगर आपको चाहिए होती है तो आप कर सकते हैं। उसकी एक छोटी सी मिसाल हम ये दे सकते हैं कि यहाँ पर एक बंदा था जो कि मेंटली बेचारा ठीक नहीं था, वो UAE के किसी हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराना था लेकिन वो नहीं करा पा रहे थे काफ़ी अरसे से, उन्होंने हमसे रब्ता किया और हमारा स्टाफ जो है वो गया उस बंदे को देखा और घर में जाके देखा तो उसको चेंस से उसको बांधा हुआ था, और क्योंकि वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता था और घर वालों को भी नुकसान पहुंचाता था। हमने यहाँ के हॉस्पिटल से रब्ता किया, उसके बाद उसका पासपोर्ट नहीं था, मैनुअल में पासपोर्ट बनाया, उसकी छोटी मोटी जो फीस होती है वो हमने दी, एम्बुलेंस में डाल के हम खुद हमारा स्टाफ उसको देख के हॉस्पिटल उसको लेकर गए, और हॉस्पिटल वालों ने बताया कि जी इसको तकरीबन 5 से 6 साल हुए इसको नहाया, उसके बाद मतलब 5 से 6 साल के बाद हॉस्पिटल ने उनको नहाया और उसके बाद उसको इसकी ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट करवा दी। तो इस किस्म की जो असिस्टेंस होती है वो हमें लोग अप्रोच करते हैं एप्लीकेशन के ज़रिए, हम उनको ये एप्लीकेशन के ज़रिए हम उनको हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक अच्छी बात ये है कि इंशाल्लाह हम ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी हम उसको लॉन्च कर लें, इसको इसका उर्दू वर्जन कि जब आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो उसके बाद ऑप्शन दिया जाएगा कि जी आप इसको इंग्लिश में व्यू करना चाहते हैं या फिर उर्दू में, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर कम्युनिटी ज़्यादा है वो उर्दू में ज़्यादा प्रिफर करती है, उर्दू वर्जन भी इसका आ जाएगा ताकि ईजीली आप उसको एक्सेस कर सकें। फिलहाल ये एप्लीकेशन हमारी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर है और उसको एप्पल के ऊपर भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, गूगल भी इंशाल्लाह उसको भी हम लेकर आएंगे। साथ ही ये बताता चलूँ कि एप्लीकेशन हमने पाकिस्तान से बनवाई और फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाई है, हमारे अपने जो दोस्त हैं उनको मिला के दासी बात है, इसकी सर्टिफिकेशन और उसके ऊपर जितना खर्चा आता है वो तो दिया हुआ है, लेकिन इसकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ये करवाई अपने ओन पे करवाई। इसके अलावा एक और भी चीज़ है जो कि आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एजेंट माफिया हमारे लोगों को बड़ा तंग करता है कि अगर किसी बंदे ने यहाँ आके अटेस्टेशन करवाई है और वो जाके आगे कभी अटेस्टेशन देता तो वो फंस जाता था। ये हमें शिकायत आई है कि जी बाहर से किसी ने पैसे लिए किसी एजेंट ने और उसको जाली अटेस्टेशन करके दे दी, वो बंदा आगे जाके फंस गया, ये बहुत सारी शिकायत हमें मिली है। इसका तदारुक हमने इस तरीके से किया है कि अब कल से या फिर परसों से इंशाल्लाह करेंगे कि जो भी अटेस्टेशन होगी वो सारी की सारी QR कोड के साथ होगी, मतलब इवन अगर आपने पासपोर्ट एक्सटेंड नहीं कराने आना है पासपोर्ट एक्सटेंशन की स्टैंप लगेगी, साथ में एक छोटा सा QR कोड लगेगा और एक और स्टैंप लगेगी कि इस QR कोड के बगैर ये अटेस्टेशन इनवैलिड है। उस पर ये होगा कि आप अपने मोबाइल के ऊपर ही आप कैमरा खोल के आप उसको देख सकते हैं कि ये अटेस्टेशन जेन्युइन है या पर नहीं है।
तो हमने सोचा कि ये दो चार चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम आपको अपडेट करें, आपके ज़रिए ये मैसेज हमारी कम्युनिटी को जाता है और बहुत हेल्पफुल होता है, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त भी हैं, इसके अलावा ऑनलाइन मीडिया वाले दोस्त भी हैं जो कि मौजूद हैं, हमारे PID जो है पाकिस्तानी से दुबई वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम 5 ईयर्स के लिए अगर आप अपना अर्जेंट में रिन्यू करवाने हैं तो 140 दिन उसके चार्जेस होंगे, 10 से 12 दिन में बनकर आएगा। अगर नॉर्मल में अगर आप अप्लाई करेंगी तो 85 दिन उसके चार्जेस होंगे और वो 25 दिन में बनकर आता है। Between 700 to 800 calls and an average during the working hours in the consulate, and because we have a lot of walk-in over here as well, and like normally passport department is processing at least 800 applications per day, so they have a lot of pressure. So whatever the phone calls we are receiving, we are trying to provide them all the assistance from our end rather than transferring the phone calls, because normally the person who is dealing with the public, they are not able to answer the phone calls. So that phone call, call center has been set up to deal with all the phone calls queries at our end and like try to satisfy all our applicants before they enter inside the consulate. So they have all the documents and everything ready with themselves. And we provide them with the assistance to get all the documents attested over here to comply with the local regulations. For example, they need the attestation of their marriage certificates or birth certificates, or they have to create any kind of power of attorneys or different kind of documents. And so they are getting all the information from our end before proceeding towards the main department. So what are the main calls that you get for? What are the main calls? The majority of the phone calls we receive for the attestations. Mm-hmm. Normally it depends, recently there was a lot of pressure on the attestation of the academic documents, because that was the new regulation applied by the UAE government. So that's why we were receiving a lot of phone calls that how to proceed with the equivalency of their documents, academic documents or the degrees, or how to proceed with the attestation of their documents, because otherwise they are not going to get the visas over here. And then we receive a lot of phone calls for the renewal of their passports and their NICOPs, or the NICOPs and passport of the newborns over here. So we try to cater all those phone calls over here. And so mainly you give guidance to them. Yeah, that's exactly what we do. So how long does it take for you to reply to a call on an average? On an average, it depends. If it's angry customer, it might go to 10 minutes, 15 minutes. It depends until they are they are done with their anger on us. But the normal average phone call for the documentation of the passport or the NICOP, it will take hardly 1.5 minutes, because we try to cut down with the time for each phone call. Or if they require the all the details for the attestation of their academic documents or the equivalency, that it might take up to 2.5 to 3 minutes if they are listening to us properly. Thank you very much for being here with us. We are in Pakistan Consulate today. My name is Ahmed Shifani. I am representing Pakistan Business Council as president. Today we are here for the opening of the call center, which is initiated by Pakistan Consulate to cater Pakistani community for all their issues which they want to ask from Pakistan Consulate. Earlier, 1 week before, they initiated and inaugurated an app called Pak in Dubai, which also cater the Pakistani community for all the services which Pakistani consulate are giving physically. Now they are shifted into the app and the telephone call. So this is a very big initiative for Pakistan community, because Pakistani community is 1.5 million in Dubai as population. So the technology is very essential for Pakistani community to be used, and we encourage our people and our community to use Pakistan consulate facilities. We hope the initiatives taken by the Pakistan Consulate are going to make a marked difference in the ease of access and communication which the community can have access to the consulate and the services provided. No doubt, it's not possible for everyone to be here physically, and especially in this day and age when we have COVID restrictions. I think this is a great initiative which was badly needed, and the community will definitely benefit.